तो बस मेरे मैं तो हमेशा बस एक ही बात कहूँगा, क्योंकि एक कलाकार हूँ तो हमेशा एक अच्छी भावना मन में रहती है कि सब लोग जिस फील्ड में रहें कुछ खूब उन्नति करें, खूब अच्छा काम करें। और कला की जोत जो सबसे बड़ी है, भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है या नृत्य है उसके प्रति सब लोग खूब अच्छी रुचि रहें, उसमें खूब भाग लें। वैसे तो हर एक कला बहुत ही आदरणीय है मेरे लिए, तो हर एक कला ही बहुत आदरणीय है, लेकिन बस यह है कि जो जो अपनी एक विरासत है उसमें खूब ये लोग इंटरेस्ट रहें, खूब उसको और प्रमोट करें, खूब उसमें पार्टिसिपेट करें। तो भाई यही मंशा लगे, यही कामना है मेरी। आठ में जो संगीत घराना से हूँ, और मतलब कितना अंतर पाते हैं प्राचीन जो नृत्य कला थे आज में, कितना अंतर पाते हैं? नहीं, अंतर तो आ ही गया है, क्योंकि वो युग अलग था, ये युग अलग है। जीवन की गति, जीवन जीवन की गति बदल गई है। पहले अब चाहे वो अब पहले बैलगाड़ी चलती थी, चाहे वो घोड़े चलते थे, इस प्रकार से अब तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं और धीरे धीरे जो डेवलप कर रहा है हर एक चीज़, साइंस भी और टेक्नोलॉजी भी सब कुछ कर रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो शरीर पे आता ही है और दिमाग पे भी आता है। सर, कला को आप कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे आपने स्टेज पे एक वाक्य कहा था, जी कला को कैसे परिभाषित करूंगा मैं? नहीं, मौन रहे के कहने का मेरा अर्थ ये था कि जिस समय आप मंच पर होते हैं तो वहाँ केवल एक ही भाषा होती है, वो चाहे आपकी जो जो पारंपरिक चीज़ें आपने सीखी हैं उसको ध्यान में रखते हुए केवल उसकी भाषा होनी चाहिए। जैसे हम लोग बंदिश पढ़ते हैं, टुकड़े परन इत्यादि तोड़े, ये सब जो जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो भाषा ही होनी चाहिए, सुर और संगीत की भाषा होनी चाहिए, और कोई भाषा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ मौन ही नृत्य की परिभाषा है। शांत रह के केवल उस बात की कल्पना करने, वो एक ध्वनि, वो एक गूंज, वो एक नाद, केवल उसकी कल्पना करना है चाहिए। जैसे मैं पाठक, युवा और हमारे समाज के लिए संदेश। अब देखिए ऐसा है कि क्या मैं संदेश दूंगा, मैं तो केवल अपनी तरफ से, जैसे अभी मैंने कहा भी कि मैंने एक आग्रह किया है कि भारतीय संस्कृति जो होता है, शास्त्रीय संगीत है या नृत्य है, जो युवा पीढ़ी हैं उसमें ज़्यादा भाग लें और उस पर विश्वास रखें। देखिए होता क्या है कि वही चीज़ अपनी है, विरासत है। बाकी वैसे तो मैं किसी को मना नहीं करूँगा, मैं कभी आज जीवन में कभी नहीं मना करूँगा कि आप इधर ना जाएं उधर ना जाएं, किसको जिसको जहाँ 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 जाना होगा वहाँ जाएगा ही वो, तो आपके रोकने से नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ठीक है, आप सब में खूब भाग लीजिए, मज़ा लीजिए, लेकिन जो अपनी विरासत है, देखिए घर क्या होता है, घर तो आपका अपना ही होता है ना। आप कहीं भी घूम लीजिए पूरी दुनिया में, कहीं भी चले जाए, चाहे देश विदेश चले जाए, लेकिन जो आनंद घर आके जो आपको सुकून और शांति मिलती है, पर उसी को मैं शास्त्रीय बोलता हूँ, वही है क्लासिकल। तो घर में ही आके चाहे सुख की दो रोटी आप खा रहे हैं, घर परिवार वालों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो आनंद उसमें है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या भावना व्यक्त करना चाह रहा हूँ। बस